बताया जा रहा है जो अब खुलकर सामने आया। और ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कार्रवाई की अब बारी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की। हजार लोगों की घर वापसी हुई है। बागेश्वर बाबा की सभा में लोगों ने घर वापसी की है। कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है। शेख शमीम बबलू बन गए हैं तो मोहम्मद अकबर सत्यम बने हैं। हिंदू धर्म में आस्था अपनाया और साथ ही सनातन धर्म को भी अपनाया है। कई लोग जिन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया था किसी कारणवश और दूसरे धर्म को अपनाया था वो घर वापसी कर चुके हैं। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित कर चुके कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए शुद्धिकरण कराया। इस मौके पर बीजेपी नेता जूदेव ने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए विदेश में षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ता है। लालच देकर और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाना गलत है। ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियाँ हैं ये प्लानिंग के माध्यम से धर्मांतरण करती हैं। सेवा के नाम पे सौदा चंगाई माध्यम से इनका ब्रेन वॉश करते हैं। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल करके इनको अपने धर्म से भटका करके ये धर्मांतरण करते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है और हम इस धर्मांतरण को कम्प्लीटली इलीगल बनाएंगे। बहुत गंभीर ये समस्या है और इसको जड़ से हम उखाड़ फेंकेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार धर्मांतरण कर चुके लोगों की घर वापसी करा रहे हैं। पिछले साल भी रायपुर में कथा के दौरान दूसरे धर्म के लोगों की घर वापसी उन्होंने करवाई थी। वहीं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव अपने पिता के कामों को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा रहे हैं। जूदेव भी आदिवासी समुदाय के लोगों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। उनके पिता दिलीप सिंह जूदेव इसी तरह चरण पखारकर जनजाति समाज के उन लोगों की मूल धर्म में वापसी करवाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बवाल हो गया। हिंदू संगठनों को जानकारी मिली तो वहां पर हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंच गए और धर्मांतरण को रोका गया। तो दूसरी तरफ मुंगेली में भगवा ध्वज को फाड़ने को लेकर हंगामा हुआ। ये दोनों ही मामले आपको विस्तार से एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रायगढ़ शहर के सावित्री नगर में किराए के मकान में धर्मांतरण का मामला सामने आया जिसकी भनक बीजेपी पार्षद बीजेपी कार्यकर्ताओं बजरंग दल को मिलते ही सभी मौके पर पहुंचे और विरोध किया जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और धर्मांतरण करवा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। तो मुझे तुरंत सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर धर्म प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है तो मैंने तुरंत सीएसपी साहब को और झूठ मिलती आई को मैंने फ़ोन किया और वो लोग तुरंत कार्य उनके पहुँचने से पहले हम लोग एक दो पार्षद और 8-10 कार्यकर्ता मिल गया। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो ऊपर में पूरा टीवी सब चल रहा था और टोटल वहाँ पर जितने लोग थे 100% हिंदू लोग थे। उनका आधार कार्ड यदि वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो 100% हिंदू ही निकलेंगे और उसमें से हमें पूछा गया तो वो भी वो लोग हिंदू हैं बोले और उनको पूरा ड्रेस पहनाकर उनके साथ यानी उनको प्रेयर कराया जा रहा था। 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ का प्रचार प्रार्थना कर रहे थे तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई। मुंगेली के लोरमी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने डिंडोरी पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सड़क पर रस्सी से बांधे गए भगवा झंडों को फाड़ने की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने डीजे पर चढ़कर डिंडोरी गांव में लगे भगवा झंडों की रस्सी तोड़ दी जिसका आरोप 6 युवकों पर लगा जिसका स्थानीय लोगों ने ही विरोध किया। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।